ग्रीन टी कब लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद है? जब आप फैट लॉस कर रहे हो तब, या फिर जब आप मसल बिल्ड कर रहे हो तब? क्योंकि बहुत सारे लोग इन दो गोल्स में कंफ्यूज है कि अगर उनको मसल बिल्ड करना है तो फिर वो ग्रीन टी ले सकते हैं, अगर आंसर हाँ है तो फिर कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और दिन में कितनी बार ले सकते हैं। वैसे ही अगर किसी को फैट लॉस करना है तो फिर वो ग्रीन टी दिन में कितनी बार कंज्यूम करे और कैसी कंज्यूम करे जिससे कि उनको मैक्सिमम फैट लॉस का बेनिफिट मिले। आई एम रोहित चिखले, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स साइंस, और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपको ग्रीन टी लेना है या नहीं लेना, अगर लेना है तो क्यों लेना है और उसके पीछे के रीजंस। अभी हम देखते हैं कि अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आप ग्रीन टी कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले ग्रीन टी के। तो सबसे पहली बात आती है कि ग्रीन टी आप दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत सारे ऐसे बायो एक्टिव प्रेजेंट है जो कि आपको फैट लॉस में अनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। और सेकेंड बात, ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी इंक्रीज कर देती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हो जाता है तो आपको फैट लॉस का जो गोल है वो अचीव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड सेकेंड बात आती है कि ग्रीन टी सेम काम करती है आपके फैट बर्नर जैसा, क्योंकि फैट बर्नर क्या काम करता है? फैट बर्नर काम करता है आपके फैटी सेल्स को ब्रेकडाउन करके उनको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज कर देता है, और सेम काम ग्रीन टी करती है। तो ग्रीन टी एक नेचुरल प्री वर्कआउट के साथ साथ एक नेचुरल फैट कटर भी है। अभी हम बात करते हैं जिनका गोल मसल बिल्डिंग है वो ग्रीन टी कब और दिन में कितनी बार ले सकते हैं। तो अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो आप ग्रीन टी दिन में सिर्फ एक बार ले सकते हैं, वो भी प्री वर्कआउट में, क्योंकि अगर आप ग्रीन टी प्री वर्कआउट में लेते हो तो आपको ग्रीन टी हेल्प करेगा आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस और रिएक्शन टाइम इंक्रीज करने में, क्योंकि ग्रीन टी में एक इंग्रेडिएंट एक्टिव है वो है कैफीन। कैफीन आपको इन सारे चीजों में हेल्प करता है, आपका फोकस, रिएक्शन टाइम, आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने में। तो अभी बहुत सारे लोग मुझसे ये बात कहेंगे कि कॉफी में भी कैफीन प्रेजेंट रहता है, तो यस, ग्रीन टी में आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि क्योंकि ग्रीन टी में कॉफी से कैफीन कम प्रेजेंट रहता है, और कॉफी में बहुत सारा कैफीन प्रेजेंट रहता है, वो उसकी बहुत से लोगों को आदत नहीं रहती, इसलिए मैं आपको ग्रीन टी प्रेफर कर रहा हूँ। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ग्रीन टी आपको कैसे यूज करनी है और कैसे बनानी है। तो सिंपली आपको सिर्फ पानी बॉईल करना है, गर्म करना है, और उसमें जो ग्रीन टी की सैशे है वो डंप करनी है, और उसमें आपको ना तो शुगर वगैरह इन जैसी चीज़ें यूज करनी है। अगर आपको स्वीटनर के लिए कुछ यूज करना है तो आपको सिर्फ हनी यूज कर सकते हो, बाकी दूसरी चीजें नहीं, गुड़ भी नहीं और शुगर भी नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। सो बाय बाय।